बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आज गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती। नितिन पटेल, विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गणपत बसावा गुजरात के नए सीएम की रेस में है, लेकिन सूत्र के मुताबिक विजय रूपानी का नाम तय माना जा रहा है। सोमवार को आनंदीबेन ने ज्यादा उम्र की वजह से इस्तीफे की पेशकश की। आनंदीबेन के 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल में बीजेपी को पाटीदार आरक्षण, निकाय चुनाव में ग्रामीण इलाकों में हार और दलितों के आंदोलन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसका ऐलान 15 अगस्त के बाद किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अलगाववादी घाटी के बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश रचते हैं ताकि वो पत्थर और बंदूक उठा सकें। उन्होंने कहा कि मस्जिदों का गलत इस्तेमाल कर नफरत के पैगाम दिए जा रहे हैं। महबूबा ने कश्मीर में आजादी की मांग पर भी सवाल उठाए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह आज खाड़ी देशों में बेरोजगार हुए भारतीयों की मदद के लिए सऊदी अरब रवाना होंगे। तेल की कीमतों में गिरावट के चलते खाड़ी देशों में करीब 10,000 भारतीय बेरोजगार हुए हैं। इन बेरोजगारों को भुखमरी से बचाने के लिए खाड़ी देशों में भारतीय दूतावास 5 कैंप चला रहे हैं। विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के स्कूल की एक टीचर को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। 29 साल की यास्मीन शेख नाम की इस महिला पर आरोप है कि वो अफगानिस्तान में आईएसआईएस आतंकी अब्दुल राशिद से मिलने जा रही थी। महिला केरल के कोलंबस स्कूल में टीचर है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद इस महिला ने बताया कि वो खुद और अपने 4 साल के बच्चे को आईएसआईएस की ट्रेनिंग दिलाना चाह रही थी। स्पेशल सेल ने महिला से पूछताछ के बाद उसे केरल पुलिस को सौंप दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज वाराणसी में रोड शो करेंगी। दोपहर सबसे पहले वो 12 बजे अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगी और इसके बाद कचहरी इलाके से इंग्लिशिया लाइन तक 8 किलोमीटर के मार्च में सोनिया हिस्सा लेंगी। रोड शो के आखिर में सोनिया जनसभा को संबोधित कर सकती हैं। इस दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। ये रोड शो कांग्रेस के 27 साल यूपी बिहार कैंपेन के तहत हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी से गैंग रेप और लूट के मामले में केंद्र ने अखिलेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घटना और उसके बाद उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार से कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट भेजी जाए। राज्यपाल राम नाईक ने भी ऐसी वारदातों पर नाराजगी जताई है। इससे पहले सोमवार को बुलंदशहर कोर्ट ने 3 आरोपियों नरेश बबलू और रईस को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस की 6 टीमें सभी 7 से 8 दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। कुश्ती खिलाड़ी नरसिंह यादव को डोपिंग के आरोपों से क्लीन चिट मिल गई है। नाडा ने माना है कि नरसिंह के साथ साजिश हुई है, इसलिए उनके सैंपल पॉजिटिव आए थे। नरसिंह 74 किलोग्राम कैटेगरी में मुकाबला खेले। नरसिंह का सैंपल पॉजिटिव आने के बाद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रवीर राणा का नाम आगे बढ़ाया था, लेकिन अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की गवर्निंग बॉडी को नाडा के फैसले की जानकारी दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी पर राजनीति और गरमाने के आसार हैं। सोमवार को विपक्ष कड़े विरोध और बायकॉट के बावजूद राज्य विधानसभा में बिहार एक्साइज एंड प्रोहिबिशन बिल 2016 को ध्वनिमत से पास करा लिया गया। घर में शराब मिलने पर सभी 42 सदस्यों की गिरफ्तारी जैसे प्रावधानों के चलते विपक्ष इसे काला कानून बता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की दलील है कि इससे नशाखोरी पर पूरी तरह लगाम लगेगी। अब इस बिल को विधान परिषद में पेश किया जाएगा। मुंबई की मकोका कोर्ट आज 2006 के औरंगाबाद आर्म्स केस में 12 दोषियों को सजा सुनाएगी।
28 जुलाई को लश्कर आतंकी अबू जिंदाल समेत 12 को दोषी ठहराया गया था। 8 मई 2006 को एटीएस ने औरंगाबाद में चंदनवाड़ा मनमाड़ हाईवे पर दो कारों से 30 किलो आरडीएक्स, 10 AK-47 राइफल्स और 3200 बुलेट्स बरामद किए। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की आज मुंबई में बैठक होगी। वर्किंग कमेटी की बैठक में बीसीसीआई में सुधारों को लेकर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर को लेकर चर्चा होगी। मीटिंग में भारत वेस्टइंडीज के बीच फ्लोरिडा अमेरिका में प्रस्तावित T20 सीरीज पर भी बातचीत होगी। बीसीसीआई की AGM भी 5 अगस्त को नई दिल्ली में होनी है। दिल्ली में डेडिकेटेड बस लेन में गाड़ी चलाने वालों पर ₹2000 के जुर्माने की केजरीवाल सरकार की योजना अधर में लटकती नजर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली सरकार से दोबारा डेडिकेटेड बस लेन के प्रस्ताव वाली फाइल मांगी है। दिल्ली में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और स्वच्छ भारत मिशन को एक जन अभियान बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त से दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाएंगे और इनमें लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ हरियाणा के झज्जर थाने में केस दर्ज कराया गया है। कैंट के ही पूर्व विधायक करण सिंह तवर की शिकायत पर कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ फर्जी डिग्री का केस दर्ज हुआ है। एक RTI से इसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने IPC की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि कमांडो सुरेंद्र के खिलाफ पहले भी 2 बार दिल्ली और हरियाणा पुलिस फर्जी डिग्री के आरोपों की जांच कर चुकी है। शिकायत के मुताबिक कमांडो सुरेंद्र ने सेना में नौकरी के दौरान फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की और रिटायरमेंट के बाद इसी डिग्री के आधार पर झज्जर के एक स्कूल में नौकरी की। बरसात शुरू होते ही दिल्ली में डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस साल डेंगू के अब तक 120 मरीज सामने आए हैं। इसमें सिर्फ जुलाई भर में 91 मरीज मिले हैं। खासकर पिछले एक हफ्ते में ही डेंगू के 29 मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और नर्सिंग होम से 20% तक बेड बढ़ाने को कहा है। साथ ही अस्पतालों को मरीजों को भर्ती करने से इनकार नहीं करने को कहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 16 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने रैकेट में एक नाइजीरियन दंपति और पंजाब के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी पर स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुकरबा चौक के पास एक कार से 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस ने हेरोइन ले जा रहे बलविंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से पूछताछ में पुलिस को हेरोइन बेचने वाले नाइजीरियन नागरिक माइकल का पता चला। स्पेशल सेल ने माइकल और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से साउथ अफ्रीका का फर्जी पासपोर्ट और भारत का फर्जी वीजा मिला है। इस साल के अंत तक मुंबई को नया डेवलपमेंट प्लान मिलेगा। डेवलपमेंट प्लान को लेकर BMC को अब तक 9616 सुझाव और शिकायतें मिली हैं। अब अगले 2 महीनों में 7 सदस्यीय कमेटी सुझावों पर विचार कर प्लान को अंतिम रूप देगी, जिसे BMC में पेश किया जाएगा, जहां चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में भी करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। BMC के पास होने के बाद राज्य सरकार इस पर मोहर लगाएगी, यानी 5 से 6 महीनों में ये नया प्लान लागू हो जाएगा। कैग ने अपनी रिपोर्ट में मुंबई से लोकल ट्रेन सेवा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के वक्त पर पूरा नहीं होने के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुंबई में सब अर्बन रेल सेवा का भविष्य तय करने वाली परियोजनाओं में देरी की वजह से रेलवे पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे की तहत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें देरी हो रही है। मुंबई में BMC हॉल में पार्षदों की हरकतों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा सकते हैं। हाल ही में ग्रुप लीडर्स की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्षदों की कार्यशैली पर नजर रखने के लिए मेयर की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन का भी फैसला हुआ। ये कमेटी इस संबंध में अंतिम फैसला लेगी।
हाल ही में बीएमसी प्रशासन ने संसद और विधानसभा की तर्ज पर बीएमसी सभागृह में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें मोबाइल जैमर लगाने का भी प्रस्ताव शामिल था। यूपी के कन्नौज में एमए में दाखिला नहीं मिलने से नाराज कई छात्र कलेक्ट्रेट परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ गए। मामला पीएसएम डिग्री कॉलेज का है। पानी की टंकी पर छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों तक चलता रहा। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम छात्रों को टंकी से उतारने के लिए काफी मान मनवल करती रही। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्र टंकी से नीचे उतरे। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में एमए इंग्लिश की 4 सीटें खाली पड़ी हैं, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें दाखिला देने से इनकार कर रही है। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में आजम खान का कहना है कि कहीं ये सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की साजिश तो नहीं है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि जब वोट लेने के लिए दंगे हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बुलंदशहर में हाईवे पर मां बेटी के साथ हुई हैवानियत के विरोध में स्कूली छात्रों और सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार से नाबालिगों की सुरक्षा दुरुस्त करने की मांग की। ग्रेटर नोएडा में हरिद्वार से कांवड़ लेकर दादरी जा रहे कांवड़ियों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसा धूम मणिपुर गांव के पास का है। कांवड़ियों की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागपत के काठा गांव में कांवड़ियों पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांवड़िए धरने पर बैठ गए। कांवड़ियों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने के बजाय उल्टे उन पर ही धमकी की कार्रवाई कर रही है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बूढ़ी राप्ती और राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले में 3 जगह बांध टूटने से करीब 300 गांव बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की वजह से कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। कई गांव के लोग इलाके में सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 26 सितंबर से इंडिगो की पहली फ्लाइट शाम 4:05 पर दुबई के लिए पहली उड़ान भरेगी। पिछले एक साल से लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में वीसी दफ्तर के बाहर एबीवीपी के छात्रों का धरना खत्म हो गया है। फीस बढ़ाने के खिलाफ पिछले 10 दिनों से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वीसी के फीस नहीं बढ़ाने के आश्वासन के बाद एबीवीपी के छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी। पंजाब में हवा को शुद्ध करने के लिए हिमालय नमक का उपयोग किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सॉल्ट लैम्प, कैंडल होल्डर, डीओ, सॉल्ट इनहेलर के तौर पर किया जा रहा है। खाने के इस्तेमाल आने वाले ये नमक प्राकृतिक हर्बल दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हवा शुद्ध होने के अलावा कई बीमारियों से इलाज का भी दावा किया गया। पाकिस्तान की रहने वाली एक लड़की ने 65 साल बाद अपनी मां को उसके भाइयों से मिलवाया। मामला पंजाब के धूरी के गांव टिब्बा का है। बंटवारे के बाद शरीफा अपनी नानी के साथ पाकिस्तान चली गई थी। तब वो सिर्फ 8 साल की थी। उसे सिर्फ अपना गांव का नाम पता था। शरीफा की बेटी किश्वर ने काफी मेहनत के बाद उसे भाइयों से मिलवाया। ओडिशा में पिछले 2 दिनों में बिजली गिरने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 52 हो गया है। राज्य आपदा नियंत्रण केंद्र से मिली सूचना के अनुसार बालेश्वर में 8, भद्रक में 7, मयूरभंज में 7, खोरदा में 6, कटक में 5 और जाजपुर में 4 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद के सिकंदराबाद में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और तेज बारिश की वजह से गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मौके पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के मछुआरों ने अपनी बेमियादी हड़ताल खत्म कर दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भरोसा दिया कि श्रीलंका नेवी के द्वारा जब्त की गई सभी 113 नौकाओं को वापस मांगा जाएगा। श्रीलंका के कब्जे 77 मछुआरों की रिहाई के साथ उनकी नौकाओं को वापस पाने के लिए 22 जुलाई से करीब 5,000 मछुआरे हड़ताल पर थे।
श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी के कई इलाकों में अब तक हालात सामान्य नहीं है। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से वहां पर हिंसा के चलते कर्फ्यू है। 26 जुलाई को दक्षिण कश्मीर के हिस्से को छोड़कर बाकी इलाकों में कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन अलगाववादियों के कुलगांव मार्च की घोषणा को देखते हुए कर्फ्यू दोबारा से लागू कर दिया गया है। बिहार के टॉपर स्कैम में गिरफ्तार हुई इंटरमीडिएट छात्रा रूबी राय आज बाल सुधार गृह से रिहा हो सकती है। उसे पटना की एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी है। रूबी राय को 25 जून को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था और बेऊर जेल भेजा गया था। बाद में बर्थ सर्टिफिकेट में नाबालिग पाए जाने पर रूबी राय को बाल सुधार गृह भेजा गया था। नई दिल्ली से बिहार के इस्लामपुर जाने वाली मगध एक्सप्रेस ट्रेन में 3 बेटिकट यात्रियों ने टीटी को देख चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले राजू नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि रविंद्र और रवि नाम के शख्स घायल हुए। बिहार के सोनपुर के एक स्कूल में मिड डे मील में गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्राथमिक संस्कृत स्कूल के छात्रों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल के टीचर से बदसलूकी की, उनके ऊपर कीचड़ डाला। मिड डे मील में गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी। बिहार में गोपालगंज के निचले इलाकों में कई दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के घर पानी में डूबे हुए। गोपालगंज के 6 इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसमें गोपालगंज सदर, कुचायकोट, बरौली, मंझा, सिधवलिया और बैकुंठपुर में कई दर्जन गांव शामिल। महाराष्ट्र के कोंकण में सिंधुदुर्ग में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए, जबकि भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी के करीब 22 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। मध्य प्रदेश के सागर में पगरा बमाना बांध बनने से कई गांव डूब गए, जिसके चलते हजारों आदिवासी परिवारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है। सागर के चंद्रपुरा गांव के आदिवासियों को अपना घर बार छोड़कर फिर से डीलाखेड़ी के पास मैदानी पहाड़ी के जंगल में शरण लेनी पड़ी है। विस्थापित हुए करीब 400 परिवारों को ना तो कोई बुनियादी सुविधाएं दी गई है, ना ही मुआवजा। नए बिजनेस ऑर्डर मिलने से देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ग्रोथ को जुलाई में 4 महीने के टॉप पर पहुंच गई है। निकेई मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जुलाई से बढ़कर 51.8 पर पहुंच गई, जून में 51.7 पर था। इंडेक्स का 50 से ऊपर रहना ग्रोथ और इससे नीचे रहना सुस्ती का इंडिकेटर है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने बैंकों और NBFC को मिस सेलिंग पर चेतावनी दी है। IRDA ने कहा है कि गलती होने पर रिफंड या पॉलिसी बदलना ही समस्या का हल नहीं है। IRDA के मुताबिक बैंक NBFC ऐसा सिस्टम बनाए कि मिल सेलिंग की घटनाएं हो ही ना। IRDA ने चेतावनी दी है कि बैंक NBFC जबरदस्ती बीमा पॉलिसी बेचने की कोशिश ना करें और मिस सेलिंग करने वाले स्टाफ एजेंट का ब्यौरा IRDA को भेजें। NSEL फ्रॉड में फंसी FTIL को बॉम्बे हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने FTIL के कुछ खातों को डीफ्रीज यानी खोल दिया है। कर्मचारियों की सैलरी और कानूनी खर्चे के लिए हाईकोर्ट ने कंपनी को राहत दी है। पिछले महीने ही मुंबई पुलिस की इकॉनमी ऑफेंस विंग यानी कि EOW ने FTIL के खातों को फ्रीज किया था। RBI ने प्राइवेट सेक्टर में ऑन टैप यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक बैंकिंग फाइनेंस में कम से कम 10 साल अनुभव रहने वाले लोग ही यूनिवर्सल बैंक खोल सकेंगे। यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए प्रमोटर्स को कम से कम 500 करोड़ रुपए की पूंजी का इंतजाम करना होगा। नियमों के मुताबिक बड़े कॉरपोरेट घरानों में NBFCs लाइसेंस के लिए योग्य नहीं होंगे। मुंबई में बांद्रा वर्सोवा सी लिंक बनाने के लिए नया टेंडर जारी हुआ है।
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSRDC ने ग्लोबल टेंडर के जरिए बोलियां मंगवाई। बांद्रा वर्सोवा के बीच 10 किलोमीटर लंबा सी लिंक बनेगा, इसके लिए 15 सितंबर तक कंपनियों को बोली लगानी होगी। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक की लागत करीब 7500 करोड़ रुपए आएगी। इस प्रोजेक्ट को 2013 में ही एक तरह से कैस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस मिल गया था। बांद्रा वर्ली सीलिंग के तहत यात्रियों को इस सीलिंग पर भी टोल देना होगा। सीलिंग बनने के बाद बांद्रा वर्सोवा के बीच 40 से 45 मिनट की दूरी घटकर 10 से 15 मिनट रह जाएगी। मारुति सुजुकी ने अपनी चुनिंदा गाड़ियों के दाम में 1500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। मारुति ने विचारा ब्रेजा के दाम में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की, जबकि प्रीमियम हैचबैक बेलेनो के दाम 10,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। कंपनी का कहना है कि मांग में बढ़ोतरी के चलते कारों के दाम बढ़ाए गए हैं। मारुति सुजुकी अपनी फ्लैगशिप स्मॉल कार ऑल्टो को नए अवतार में पेश करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो मौजूदा मॉडल से एकदम अलग होगी, इसमें नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा मारुति वैगनार को भी नए रूप में उतारने की योजना बना रही है कंपनी। जानकारों के मुताबिक नए एमिशन नॉर्म्स लागू होने के बाद ऑल्टो और वैगनार की कीमत में 30 से 50,000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। जुलाई में मारुति सुजुकी की बिक्री टॉप गियर में रही। कंपनी की कुल बिक्री 12.7% से बढ़कर 1,37,116 यूनिट्स हो गई। इसके अलावा हुंडई की बिक्री में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जुलाई में हुंडई की कुल बिक्री 10.7% से बढ़कर 55,807 यूनिट्स हो गई। वित्त वर्ष 2017 की पहली तिमाही में टेक महिंद्रा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10.5% गिरकर करीब 796 करोड़ रुपए हो गया। कैब एग्रीगेटर उबर चीन में अपना कारोबार बेचने जा रही है। चीन की कैब एग्रीगेटर डीडी चुइंग ने उबर के कारोबार को खरीदने का ऐलान किया है। डीडी चुइंग चीन में उबर की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है। डीडी चुइंग उबर का ब्रांड, बिजनेस और डेटा खरीदेगा। नई कंपनी में उबर टेक्नोलॉजीज की 5.89% हिस्सेदारी होगी। उबर चाइना में हिस्सेदार बाइडू को डीडी चुइंग में 2.3% हिस्सेदारी मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक डील के बाद नई कंपनी के वैल्यूएशन में 3500 करोड़ डॉलर यानी करीब 2,34,500 करोड़ रुपए होगी। चीन में उबर और डीडी चुइंग के बीच तगड़ा कॉम्पिटिशन था। महानायक अमिताभ बच्चन के घर में जबरन दीवार कूदकर घुसने वाले शख्स को चूहू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये शख्स अमिताभ बच्चन के घर में सुरक्षा गार्ड को चकमा देते हुए दीवार कूदकर अंदर घुस गया था। खबरों की माने तो कंगना रनावत और इरफान खान फिल्म मेकर रितेश बत्रा की अगली फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं। कंगना इससे पहले भी इरफान खान के साथ फिल्म डिवाइन लवर्स का हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से उन्होंने इस प्रोजेक्ट से वॉकआउट कर दिया। फिल्म मेकर और एक्टर अरबाज खान ने एक बार फिर अपनी फिल्म दबंग सीरीज के तीसरे पार्ट के लिए सलमान खान के ऑपोजिट एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू होगी। एक्ट्रेस आलिया भट्ट का कहना है कि वो फिल्मों में एक्टिंग के अलावा आने वाले वक्त में फिल्म प्रोड्यूस भी करेंगी, लेकिन आलिया खुद को डायरेक्टर की भूमिका के लिए अभी काबिल नहीं मानती। डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के सीक्वल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए एक्टर टाइगर श्रॉफ को अप्रोच किया गया है। सैफ अली खान की बेटी सारा खान और शाहिद कपूर के छोटे भाई ईशान खट्टर भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। मीडिया से फिर नाराज हुई एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। एक इवेंट से बाहर निकलते ही फोटोग्राफर्स को उनकी तस्वीर लेने पर कैटरीना भड़क गई। खबरों की माने तो कैटरीना ने वहां मौजूद मीडिया के लोगों को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। मुन्ना भाई सीरीज की अगली फिल्म के अलावा एक्टर संजय दत्त फिल्म मेकर महेश मांजरेकर की नई फिल्म का भी हिस्सा होंगे। ये फिल्म मराठी फिल्म
दे धक्का का रीमेक। कैटरीना कैफ से तुलना करने पर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस नाराज हो गई हैं। एक इंटरव्यू में जैकलीन ने कहा कि उनके और कैटरीना की तुलना करना गलत है, दोनों अलग हैं और दोनों की नजरिए भी अलग हैं। रणबीर कपूर इस साल अक्टूबर में अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। रणबीर के नए घर को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजाइन किया है। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने कहा है कि उनका फोकस सिर्फ करियर पर नहीं बल्कि फैमिली प्लानिंग पर भी है। प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में फैमिली प्लानिंग और लाइफ पार्टनर से जुड़ी कई बातें शेयर की। प्रियंका ने बताया कि उन्हें ढेर सारे बच्चे चाहिए। सीरिया के इदबिल प्रांत में रूसी सेना के एक MI-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। मरने वालों में 3 क्रू मेंबर्स और सेना के 2 अफसर शामिल हैं। हेलीकॉप्टर एलेप्पो में राहत का सामान पहुंचाकर लौट रहा था। सीरिया में रूस की सेना पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस बीच सोशल मीडिया पर जलते हेलीकॉप्टर और उसमें सवार लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन जैश अल फतेह को हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया है।